माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। गाइज, अक्सर आप सबके ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिल जाते हैं कि दी, आप अपनी स्किन की देखभाल कैसे करती हो, आपकी स्किन हमेशा यंग और टाइट कैसे रहती है, आपका स्किन केयर रूटीन क्या है, या फिर आपके जैसी हमारी स्किन ग्लो क्यों नहीं करती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। आज मैं अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गाइज जानते हैं कि समर है और समर में हमारी स्किन की ड्राइनेस, पैचनेस और स्किन का फटना, ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सबको फेस करनी पड़ती है। तो मैं समर में किस तरह से अपनी स्किन की केयर करती हूँ और जिससे मेरी स्किन हमेशा ग्लोई और टाइट बनी रहती है, इसके अलावा हमेशा एजलेस नजर आती है और मैं अपनी उम्र से कई साल छोटी नजर आती हूँ, तो क्या है ये सीक्रेट, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो के सारे स्टेप को अच्छे से आप फॉलो करें, आपकी स्किन भी इसी तरह का ग्लो करने वाली है। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सबके लिए। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे ढेर सारी मिलेगी मोटिवेशन, ढेर सारी इंस्पिरेशन आप सबके लिए और अच्छा करने की। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के अमेजिंग जेन्युइन कंटेंट के वीडियोस और नेचुरल रेमेडीज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो जब भी अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो जल्दी फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि मेरा ये सीक्रेट क्या है। तो इस ट्रीटमेंट को करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें ज़रूरत है दही की। तो एक बाउल में हमें 1 टीस्पून दही ले लेना है और उसके बाद हमें चाहिए एक टमाटर। ठीक है, टमाटर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, इसको हम हाफ कट कर लेंगे और टमाटर की हेल्प से इस दही को हम अपनी स्किन में पेनिट्रेट करेंगे, यानी इस स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, प्लस मॉइस्चराइजेशन के लिए और स्किन के ग्लो के लिए और स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अमेजिंग ये कॉम्बिनेशन है दही और टमाटर का। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहती है और कितनी भी ज्यादा टैनिंग है आपके फेस पे, अगर आपके हाथों और पैरों का कलर अलग है, चेहरे का अलग है, नेक आपकी काली है, तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसको आप अपने फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, हाथ पैरों की टैनिंग के साथ ही साथ आपकी स्किन की टैनिंग भी इससे दूर हो जाएगी और चेहरा काफी ज्यादा ग्लोई नजर। इसके बाद गाइस आपको एक कपड़ा ले लेना है कॉटन का, उसको ठंडे पानी में आपको डिप करना है और इससे आप अपने फेस को क्लीन कर लें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी स्किन की जितनी डर्ट है, धूल है, गंदगी है, वो निकल जाती है, स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, चेहरे का ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्किन की ड्राइनेस तो आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आपकी स्किन फटी फटी सी पैची नज़र आती है, तो उसके लिए दही और टमाटर का ये कॉम्बिनेशन आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करने के साथ साथ चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाता है। तो इस तरह से गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अपनी फुल बॉडी की स्क्रबिंग। तो इसके लिए आटे की चोकर ले रही हूँ मैं 2 टीस्पून, यानी जब हम आटा छानते हैं तो उसके बाद जो चोकर निकलती है 2 टीस्पून आपको वो ले लेनी है। इसके बाद 2 टीस्पून हमें इसमें कर्ड ऐड कर देना है, यानी दही ऐड कर लें, और 1/2 लेमन जूस आपको इसमें स्क्विश कर देना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें गाइस, और इसके बाद अपनी फुल बॉडी के ऊपर आपको इससे स्क्रबिंग करनी है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन की जितनी भी डेड सेल्स हैं उनको निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्क करता है। आटे की चोकर से हमारी स्किन डीप हाइड्रेट होती है, ये स्किन की डलनेस को खत्म करके आपके चेहरे को एक ग्लो प्रोवाइड करता है। स्किन बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट और सिल्की नजर आती है, चेहरा बहुत ज्यादा स्मूथ नजर आता है। तो ये पूरा ही ट्रीटमेंट मैं अपने हाथों पर भी कर रही हूँ गाइस, ताकि जो मेरे हाथों की ड्राइनेस है वो भी खत्म हो जाए। बहुत ही अमेजिंग ये ट्रीटमेंट है और मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ इस ट्रीटमेंट को करने में, क्योंकि ये मेरी स्किन को इतना ज्यादा ग्लोई और शाइनी बना देता है कि इसके बाद मुझे कुछ और अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कुछ इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पे स्क्रबिंग करनी है और हल्के हल्के से अपवर्ड डायरेक्शन में ये स्टेप आपको लेते जाना है, ताकि हमारे स्किन को एक अच्छा सा मसाज भी मिल जाए। ठीक, मसाज करने से गाइज हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है और चेहरा अपने आप बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगता है। तो कुछ इस तरह से जितना भी हमने ये सॉल्यूशन बनाया है, इससे आप अपने पूरे फेस पे और पूरी बॉडी पे मसाज कर लें। ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करने वाला है इस समर में और इससे आपकी स्किन की टैनिंग
बिल्कुल रिमूव होने वाली है और चेहरा बहुत ही प्यारा सा शाइन करने वाला है। अब इसके बाद हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे गाइस, और क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही स्टेप में मेरा चेहरा कितना ज़्यादा ग्लोई और शाइनी आपको दिख रहा होगा, और चेहरे पे एक अलग सी शाइनिंग और एक अलग सी चमक आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर अपने फेस को मैंने क्लीन करके ड्राई कर लिया है, और इसके बाद हम बनाएंगे अपना एंटी एजिंग फेस पैक जो कि आपकी स्किन को एजलेस दिखाता है। यहाँ पर जितना भी दही लास्ट में बचा हुआ है उसको मैंने पूरा एक बाउल में ले लिया है, लगभग लगभग 2 टीस्पून ये दही है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं 1 टीस्पून फेनुग्रीक सीड पाउडर यानी मेथी दाना पाउडर, जिसको मैंने घर पे ही ग्राइंड करके फाइन सा पाउडर बना लिया है। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, स्किन को एजलेस दिखाने के साथ साथ चेहरे पे आई हुई झुर्रियाँ, रिंकल्स और फाइन लाइन्स को रिमूव करता है। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून बेसन जो कि नेचुरल क्लिंजर होता है, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लगभग एलोवेरा जेल जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, एजलेस दिखाता है, चेहरे पे आई रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, और समर में स्पेशली ये हमारे चेहरे को डीप हाइड्रेट रखने के साथ साथ चेहरे को ताजगी और ठंडक भी देता है। तो ये पैक हमारा बहुत ही अमेजिंग वर्क करने वाला है हमारी स्किन को एजलेस दिखाने में। गाइस सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ये फेस पैक मेरे लिए बहुत ही कमाल का मिरेकल फेस पैक है जिसका इस्तेमाल मैं पूरे समर करती हूँ। हफ्ते में कम से कम 2 बार इस पैक को मैं ज़रूर लगाती हूँ, जिससे मेरी स्किन हमेशा ग्लोई रहती है, रिंकल्स फ्री रहती है, शाइन रहती है। इसके अलावा चेहरे पे फेयरनेस भी मेरे हमेशा बनी रहती है, चेहरे का ग्लो कभी ख़त्म नहीं होगा अगर ये पैक अगर आप अपने चेहरे पे लगाती हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैक को मैंने लगा लिया है, अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 25 मिनट बाद आप देखेंगे चेहरे का जो ये पैक है गाइस ड्राई हो चुका होगा। इसे अब हम हल्का सा गीला करते हुए जाएंगे, और प्रेस करते हुए हमें अपने चेहरे पे मसाज करना है। मसाज आपको सर्कुलर मोशन में करना है जिससे हमारी स्किन की जो ग्लो है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, और स्किन डीप मॉइस्चराइज हो जाएगी। मसाज से हमारी स्किन नेचुरल तरीके से ग्लो करती है, मसाज करना बेहद अच्छा होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों चीक्स के ऊपर और अपने फोरहेड के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर गोलाई में आपको ये मसाज करना है। उसके बाद हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। तो इस वक्त समर है गाइस, और समर में आप ठंडे पानी का ही यूज़ करें। मैंने ठंडे पानी से अपने फेस को क्लीन कर लिया है, और रिजल्ट आपके सामने है। मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है आप देख सकते हैं। ये मेरा सीक्रेट फार्मूला है समर के लिए, जिसको मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन को एजलेस दिखाने के लिए। इससे मेरी स्किन पर हमेशा शाइनिंग बरकरार रहती है, और चेहरा हमेशा ग्लो करता रहता है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना अमेजिंग चेहरे पर दिख रहा होगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है गाइस, जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। इसका यूज जरूर कीजिए आप, और इसके रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था गाइस मेरी यंग और ब्यूटीफुल स्किन का सीक्रेट फार्मूला, जिसे मैं हमेशा समर में अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहती है, हमेशा ग्लोई रहती है, और हमेशा यंग और टाइट रहती है। तो ये सीक्रेट फार्मूला आप भी ज़रूर ट्राई करना, रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। और जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा ऐसी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँ जो कि ईजिली आपको सारे इन्ग्रीडियंट्स घर पर मिल जाएँ, तो आज के भी सारे ही इन्ग्रीडियंट्स आप सबके घर में मौजूद हैं। जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, और इसके रिजल्ट मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज मेरे वीडियोस की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करिए। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे भी इसी तरह के अमेजिंग और जेन्युइन कंटेंट के वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।